शहर में कर्फ्यू के दौरान 20 लोगों की उपस्थिति में हुआ विवाद संपन्न। छुपी मटन बिक्री करने वालों पे नगरपालिका पथक ने की दंडात्मक कार्रवाई। पुलिस महसूल नगरपालिका पथक द्वारा शहर की सभी जगह गश्त की जा रही थी। शहर की सभी दुकानें दिखी बंद, शहर के रोड पे दिखा सन्नाटा। वर्धा जिले में कोरोना की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वर्धा जिला कलेक्टर प्रेरणा देशभ्रतार ने कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने के लिए शनिवार को सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। विवाह 20 लोगों की उपस्थिति में होने की अनुमति दी गई थी। तब आज हिंगनघाट शहर में बांबोड़ी और गेडाम दोनों परिवारों ने सरकार के आदेशों का पालन किया, कोरोना के खिलाफ एहतियात कदम उठाए और मास्क, सैनिटाइजर और सोशल भेद का सख्ती से पालन किया। कुल 20 लोगों की मौजूदगी में की रस्म अदा की गई। उसके साथ आज शहर में नगर पालिका पथक द्वारा मटन मार्केट में कर्फ्यू के दौरान मटन बिक्री करने वाले मटन विक्रेताओं पे आज दंडात्मक कार्रवाई की गई। शहर में आज कर्फ्यू रहते हुए बस पेट्रोल पंप बंद थे, सभी प्रतिष्ठान भी बंद थे। शहर में सभी जगह पुलिस प्रशासन का तगड़ा बंदोबस्त था। उसी के साथ महसूल विभाग, नगर पालिका हिंगनघाट पथक भी गश्त करते हुए नजर आ रहे थे। कुल मिला के हिंगनघाट में कर्फ्यू के दौरान हिंगनघाट परिपूर्ण बंद दिखाई दिया। शहर में पेपर बिक्री, शिव भोजनालय, अति आवश्यक सेवा सिर्फ शुरू थी। आज निकाड़े सभागृह मध्ये माझ्या साईचं लग्न आहे। संचारबंदी हिंगनघाट मध्ये असल्यामुळे आम्ही 20 लोकांमध्ये हा कार्यक्रम लग्न समारंभाचा करत आहे आणि सरकारचा जो नियम आहे त्यांना आम्ही फॉलो काटेकोरपणे नियमाचे पालन करून आम्ही हे लग्न समारंभ पार पाडत आहे। हो, कारण की संचारबंदी असल्यामुळे जो लोकांचा आहे, आमचा जो 2 महिन्यापासूनचा हा जो कार्यक्रम होता, तर आम्ही जास्त प्रमाणात हा कार्यक्रम 200 लोकांमध्ये केला होता, परंतु आता हे संचारबंदी सरकारचा नियम असल्यामुळे आम्ही हा सगळा 20 लोकांमध्येच हा कार्यक्रम आपोआपसात त्यामध्ये मुलीकडले आणखी मुलाकडले 20 10 लोक। माझ्या लहान बहिणीचं आज लग्न हिंगणघाटला, तर सध्या संचारबंदी हिंगणघाटला असल्यामुळे नियमाचं पालन करून आम्ही 20 लोकांमध्येच लग्न समारंभ आज इथे हिंगणघाटमध्येच पार पडत आहे। धन्यवाद। PCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।